राउंड ऑफ बैक फ्लिप एक सुपर इजी चीज जो कि पब्लिक रिएक्शन में गर्ल्स को इंप्रेस करने में नहीं मतलब प्रैक्टिस करने में काम आती है. सो अब अपन उसको सीखेंगे. लेट्स गो. पूरा देखना, मजा आएगा. व्हाट्स अप गाइस. सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बैकफ्लिप का ट्यूटोरियल बना रखा है जिसको आप देखकर सीख सकते हो और रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा आ चुका है. तो कोशिश करिए कि बैकफ्लिप आप क्लियर कर लीजिए. सो स्टेप नंबर वन, आपको राउंड ऑफ बैकफ्लिप के लिए आपको सीखना पड़ेगा राउंड ऑफ. राउंड ऑफ एक कार्टविल का वेरिएशन होता है एक तरीके से, जैसे कि हम कार्टविल मारते हैं बट यहीं पर आपको कार्टविल में दोनों पैरों को हवा में पास में रखना है, देन फेस आपका इधर आना चाहिए, वो राउंड ऑफ कहलाता है. मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, राउंड ऑफ लेग पास में एंड हैंड सामने, तो इसको कहते हैं राउंड ऑफ. वंस मोर एंड जंप करिए. जंप करना इंपॉर्टेंट है. आपका राउंड ऑफ का जंप इंप्रूव होगा तभी आप राउंड ऑफ में बैकफ्लिप कर पाओगे, हाइट ले पाओगे जैसे हम लेते थे. हैंड्स ऊपर, यहाँ पे आपको रन लेना है बट मैं स्टैंडिंग कर रहा हूँ. राउंड ऑफ एंड ऊपर जंप लीजिए. हैंड्स को जितना ऊपर रखोगे आपकी बैकफ्लिप हाइट उतनी अच्छी जाएगी. स्टेप नंबर टू, यहाँ पर आता है बैकफ्लिप. आपको राउंड ऑफ आ गई है, अब आपको बैकफ्लिप सीखना है, इसी के साथ ऐड करना है. इसके लिए आप इसको पहले ब्रेक कर दीजिए. राउंड ऑफ करिए, रुकिए, चाय नाश्ता करिए, बैकफ्लिप मार दीजिए. ले राउंड ऑफ, रुक जाना, फिर बैकफ्लिप मार देना. समथिंग लाइक दैट. मैं रुका देन बैकफ्लिप मारा ताकि मुझे थोड़ा सा फोर्स मिले, समझ में आए. लाइक दैट आप रुके, बैकफ्लिप मारे. आपको राउंड ऑफ और बैकफ्लिप की जो गैप है उसको कम करना है एंड राउंड ऑफ बैकफ्लिप कहलाएगी. राउंड ऑफ, चाय नाश्ता, बैकफ्लिप. स्टेप नंबर थ्री, अब आपको बीच की गैप कम करनी है तो उसके लिए आपको एक फोर्स समझना पड़ेगा. अब कर लेता हूं मैं राउंड ऑफ एंड डायरेक्ट वाला फोर्स जो मैं बैकफ्लिप कर रहा हूं, हैंड सामने डाउन एंड बैकफ्लिप, बट उसको थोड़ा सा हटाकर हैंड सामने एंड डायरेक्ट बैकफ्लिप या फिर हैंड डाउन एंड डायरेक्ट बैकफ्लिप, ये सीखिए. डाउन एंड बैकफ्लिप. अब आपको यही चीज को राउंड ऑफ में ऐड करना है. यहां से डायरेक्ट आपको बैकफ्लिप करना है, हैंड सामने रखोगे चलेगा. इस तरीके से मैंने राउंड ऑफ करा, बॉडी को हल्का सा होल्ड करा, जो फर्स्ट या सेकंड स्टेप वाला वो नहीं, डायरेक्ट हल्का सा रुका एंड डायरेक्ट बैकफ्लिप कर दी. करना है कि राउंड ऑफ एंड यहीं से डायरेक्ट बैकफ्लिप करना है ताकि आपको वो फोर्स ऐड हो जाए. सिंपल इजी. नंबर फोर, अब आता है पावर. जो राउंड ऑफ में स्टार्टिंग में लेने के बाद जंप लेते थे, राउंड ऑफ एंड जंप, अब आपको उसी जंप में बैकफ्लिप ऐड करनी है. थोड़ा स्केरी है, सेफ प्लेस पे करोगे लगे नहीं. अब जंप ऐड करना, वही चीज करना है. राउंड ऑफ लेने के बाद जंप जो हो रहा है उसी में ऐड करना है एंड पीछे घूम जाना है. सिंपल हो जाएगा. मेरा वही सिंपल है, राउंड ऑफ लेने के बाद बॉडी डायरेक्ट घूम जाएगी ताकि आपको फोर्स लेने का टाइम मिल पाए. कैसे आप राउंड ऑफ में बैकफ्लिप इजी कर सकते हो. देन स्टेप नंबर फाइव, यहाँ आता है आपकी क्लियरिटी. आप जहाँ होल्ड लोगे, जहाँ आपकी हाइट जाएगी राउंड ऑफ के बाद ऊपर, आप किंग हो जाओगे. इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे. सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो. मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया. तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने मित्रों को शेयर करना. आई नो व्यूज थोड़े कम आ रहे बट हम स्ट्रगल फिर से कर रहे हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में.